The average temperature on Wednesday, Thursday and Friday was 25 degrees. The average temperature of Thursday, Friday and Saturday was 24. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. If the temperature on Saturday was 27 degrees, what was the temperature on Wednesday? लेकिन पहले तीन दिन Wednesday, Thursday and Friday इनकी एवरेज दी गई है 25. इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल टेम्परेचर आ जाएगा 3 डेज़ का, क्योंकि एवरेज इक्वल होती है सम ओवर एन. तो सम इज़ इक्वल टू एन ए, यानी कि एन को अगर एवरेज से मल्टीप्लाई करें, तादाद को मल्टीप्लाई करें एवरेज से, तो सम आ जाता है. हमारे पास एवरेज है 25 और 3 डेज़ हैं, इसको मल्टीप्लाई किया तो टोटल सम आ गया 75. ये वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे का सम है. सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, इनकी एवरेज दी गई 24. इसको 3 से मल्टीप्लाई किया आ गया 72. ये टेम्परेचर तीन दिन का सम है. अच्छा, अब हमें बताया गया है कि सैटरडे को टेम्परेचर 27 था. तो आप ये देखें कि इस इक्वेशन में थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे में अगर हम इसमें से 27 माइनस कर दें तो हमारे पास बचता है 42, और ये होगा थर्सडे और फ्राइडे का टेम्परेचर. थर्सडे और फ्राइडे के टेम्परेचर को अगर हम इसमें डाल दें तो हमारे पास वेंसडे बचेगा, उसका टेम्परेचर मालूम किया जा सकता है. अब इन 3 डेज़ का, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे का टेम्परेचर था टोटल 75, ये 75 हमने डाल दिया. इसमें से थर्सडे और फ्राइडे का टेम्परेचर हमने माइनस कर दिया, तो बाकी बचा 30 डिग्री, और ये है वेंसडे का टेम्परेचर. इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी.